बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम वकास अहमद। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मैथमेटिक्स ग्रेड 3। दिस इज आवर यूनिट नंबर 2। इट इज अबाउट नंबर ऑपरेशंस एंड दिस इज आवर लेसन नंबर 11। इन दिस लेसन वी विल डिस्कस द SLO, डेवलप द मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 7। इसमें हम लोग बेसिकली 7 का जो टाइम्स टेबल है उसे डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह कंस्ट्रक्ट होता है या किस तरह बनाया जाता है, और उसको आपने जबानी याद करना है। अब आ जाएं लेसन प्लान की तरफ। टीचर्स लेसन प्लान जो है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकती हैं। तो प्री असेसमेंट की तरफ आए जरा। आपने करना क्या है, हर स्टूडेंट ने जो है वो 6 वंस को 2 टाइम्स राइट करना है और आंसर फाइंड करना है। जैसा कि हम लोगों ने 6 का जो टेबल है वो प्रीवियस लेसन में डेवलप किया था, और उसके बाद मैंने आपको दिया था कि आपने इसे लर्न करना है, जबानी याद करना है। सो हर स्टूडेंट ने अभी क्या करना है, 6 वंस को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। कैसे, जैसा कि हम लोगों ने वंस जो यूज किए थे वो 6 वंस थे, प्लेस वैल्यू चार्ट वाले, वो आपने यूज करने हैं और उनको 2 टाइम्स करें तो वो देखें कि कितना बनता है। एंड देन एक और क्वेश्चन है, वो भी हर स्टूडेंट ने करना है। 6 फाइव्स आर, ये प्रीवियस टेबल से लिया गया है 6 के, तो जब हम लोग 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या 6 को 5 टाइम्स ऐड करते हैं तो क्या रिजल्ट बनता है। सो डू इट बाय योर सेल्फ, एवरी स्टूडेंट विल हैव टू डू। तो अब आ जाएं की पॉइंट्स की तरफ। मेन जो वोकैबुलरी है हम यहां पर जो यूज करेंगे, टेबल फैक्ट्स फॉर द 7 टाइम्स टेबल, मींस के हम लोगों ने वो फैक्ट्स यूज करने हैं और या वो प्रोसीजर अडॉप्ट करना है जैसा कि हम लोगों ने 6 में यूज किया था, और फिर 7 का टेबल जो है वो डेवलप करना है। एंड देन मल्टीप्लीकेशन एज रिपीटेड एडिशन, यहां पर भी जो है यही फैक्ट यूज होगा कि जो बार बार अगेन एंड अगेन जो एडिशन का प्रोसेस है उसको शॉर्टेस्ट वे में राइट करना है फॉर 7। एंड देन मल्टीप्लीकेशन एज स्किप काउंटिंग, ये भी हम लोग यहां पर देखेंगे। और जब भी आपको स्किप काउंटिंग एक नंबर दे दिया जाता है, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने प्रीवियस ग्रेड में एक काउंटिंग इन टेंस की थी, मींस के हर जो 2 नंबर्स थे उनके बिटवीन जो है डिफरेंस वो 10 का था, तो इसी तरह वही प्रोसीजर स्किप काउंटिंग वाला भी हम लोग यूज कर सकते हैं, वो भी मल्टीप्लीकेशन टेबल के थ्रू किया जा सकता है। एंड देन द सॉल्व रेंज ऑफ सिंपल मल्टीप्लीकेशन चैलेंजेस, मीन्स के चैलेंज का मतलब जो क्वेश्चन होंगे या एप्लीकेशन होंगे उनको किस तरह सॉल्व करना है बाय यूजिंग दिस टेबल। सो अब आ जाएं टेबल ऑफ 7 की तरफ के किस तरह, ये आपकी बुक में भी गिवन है, जैसा कि मैंने वहां पर वंस चूज किए हैं, मीन्स के हमने 7 वंस का वो प्लेस वैल्यू चार्ट लिया और उसके अंदर नंबर ऑफ वंस कितने थे, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हम इसी 7 का जो वंस वाला प्लेस वैल्यू चार्ट है उस हर बॉक्स में, यहां पर देखें हर बॉक्स के अंदर जो 7 वंस हैं इनको अगेन वंस अरेंज कर दें एक सीक्वेंस में, एक पार्टिकुलर नंबर ऑफ बॉक्सेस तक, फॉर एग्जांपल मैंने 10 तक यहां पर अरेंज कर दिए, तो जब मैं स्किप काउंटिंग के थ्रू करता हूं तो मेरे पास जो है एक सीक्वेंस ही बन जाती है जो कि आगे चल के हम मल्टीप्लीकेशन फैक्ट में यूज करते हैं। अब यहां पर देखें कि फर्स्ट बॉक्स जो है इसमें 7 वंस हैं, अगेन 7 वंस वाला दूसरा बॉक्स इसके साथ में लाएंगे या ऐड करेंगे तो ये कितने बन गए, 14 वंस, दोनों मिलकर 14 वंस आपके पास बन गए। सो सिमिलरली जब हम लोगों ने थर्ड बॉक्स को साथ मिलाया तो ये 21 बन गए। कि क्या किया गया कि जो फर्स्ट नंबर है उसमें 7 ऐड कर दिया तो आपके पास रिजल्ट 14 आ गया, फिर 14 में अगेन 7 ऐड किया तो आपके पास रिजल्ट 21 आ गया, अगेन 21 में हमने 7 ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया, 28 आ गया।
सो जो प्लेस वैल्यू वाले जो वंस वाले थे, सेवन वंस जो थे, उनका एक और बॉक्स आप ऐड कर दिया। सिमिलरली जब सेवन वंस का नेक्स्ट बॉक्स इसमें ऐड किया तो हमारे पास टोटल जो है वो 35 बन गए। स्किप काउंटिंग भी हम लोग यूज करें क्योंकि हर नंबर जो है फर्स्ट सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर के दरमियान कोई से भी टू नंबर जहां पर चूज करें कंसेक्यूटिव, उनके दरमियान जो डिफरेंस होगा वो सेवन का होगा। सो सेवन का नंबर हम स्किप करते जा रहे हैं आगे से आगे। सो अगर हम लोग इसको टाइम्स टेबल में राइट करें, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर में राइट करें बजाय इतनी ज्यादा इलिस्ट्रेशन करने के, तो हम लोग इसको इस तरह राइट कर देंगे। कैसे? सेवन टाइम्स वन आर सेवन, मीन्स के एक जो बॉक्स है उसमें सेवन वंस हैं, सो तो वन बॉक्स में कितने होंगे? सो हम लोग क्या करेंगे, सेवन टाइम्स वन आर, जब हम लोगों ने टू बॉक्सेस मिलाए तो उसके लिए हमने क्या किया, सेवन टाइम्स टू आर दैट इज इक्वल टू 14। सो हम लोग जब ऐड करते हैं तो तब भी 14 बनता है, बजाय अगेन एंड अगेन एडिशन के हम लोग क्या करेंगे यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो अब यहां पर देखें, सेवन टाइम्स थ्री आर 21, सेवन टाइम्स फोर आर 28, सिमिलरली सेवन टाइम्स फाइव आर 35, सेवन टाइम्स सिक्स आर 42, सेवन टाइम्स सेवन आर 49, सेवन टाइम्स एट आर 56, सेवन टाइम्स नाइन आर 63, सेवन टाइम्स टेन आर 70। सो हम लोग इन इस टेबल को इस तरह याद भी कर सकते हैं। आप लोगों ने इस टेबल को जुबानी याद करना है। क्यों याद करना है? इसलिए याद करना है कि आपको आगे चल के जो अब आपने मल्टीप्लीकेशंस की प्रॉब्लम्स या एप्लीकेशंस करनी है वहां पर इन टेबल्स का यूज होता है। सो आप कोशिश करें कि इन टेबल्स को जबानी याद करें। और मेरी टीचर से रिक्वेस्ट है कि आपने ओरल स्टूडेंट से क्लास में टेबल्स को सुनना है। तो अब आ जाएं नेक्स्ट, देखें यहां पर एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को गौर से रीड करें। जैसा कि हम लोगों ने वंस वाले बॉक्सेस यूज किए थे, इसी तरह यहां पर हमारे पास केजेस हैं कुछ। देखते हैं इस एग्जाम्पल में क्या है। जब भी आपके पास कोई एप्लीकेशन या वर्ड प्रॉब्लम हो तो कोशिश करें कि उसको अगेन एंड अगेन रीड करें। उस वक्त तक आपने रीड करना है जब तक आपको उस प्रॉब्लम की समझ नहीं आ जाती। अब यहां पर देखें, इमरान हैज थ्री केजेस ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ वर्ड्स। इमरान के पास कितने केजेस हैं? थ्री केजेस हैं। और हर केज में कितने वर्ड्स हैं? ईच केज हैज सेवन वर्ड्स, मींस के थ्री केजेस हैं, हर केज में डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स हैं। मींस के एक केज में जो है वो स्पैरोज होंगी, एक में पैरट्स होंगे और दूसरी टाइप की स्पैरोज हो सकती है थर्ड वाले में। सो डिफरेंट टाइप्स के जो है यहां पर वर्ड्स हैं। इमरान के पास जितने केजेस हैं, कितने केजेस हैं? थ्री। हर केज में कितने वर्ड्स हैं? सेवन। सो हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन ऑल? तो टोटल हम लोगों ने, इन ऑल का मतलब क्या है कि टोटल आपने फाइंड करना है, टोटल वर्ड्स फाइंड करने हैं इन थ्री केजेस। सो अब आ जाएं इसके सोल्यूशन की तरफ। इसके टू प्रोसेसेस हैं। पहला प्रोसेस क्या है कि आप हर केज में सेवन वर्ड्स हैं और सेवन को थ्री टाइम्स ऐड कर दें। सेवन प्लस सेवन प्लस सेवन, सेवन प्लस सेवन 14, 14 प्लस सेवन 21। सो दिस इज 21। क्या बन गया? 21। जब हम लोग इसको मल्टीप्लीकेशन टेबल में लेके आते हैं तो इस तरह राइट करते हैं, सेवन टाइम्स थ्री आर 21। सो दरमियान में हम लोग मल्टीप्लीकेशन का साइन राइट कर देते हैं। हर केज में कितने बर्ड्स हैं? सेवन। टोटल नंबर ऑफ केजेस कितने हैं? थ्री। सो सेवन थ्री आर 21। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगर सेवन फोर आर हो
तो क्या होगा, 7 5s are हूं तो क्या होगा, ये जब आपने टेबल को ऑरली याद कर लिया तो आप क्विकली बता सकते हैं कि 7 5s are 35 होते हैं, जैसा कि मुझे पता है 7 6s are 42 होते हैं और 7 8s are 56 होते हैं। सो इस तरह आप भी बता सकते हैं जब आपने ऑरली टेबल्स को याद किया होगा। तो अब आ जाएं नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये वर्कशीट है, हर स्टूडेंट ने इंडिविजुअली इस टास्क शीट को कंप्लीट करना है। ये टास्क शीट टीचर जो है वो आपको क्लास में प्रोवाइड कर देंगी और हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी ये वर्कशीट अवेलेबल है। आपने क्लास में ही इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है और ये रिलेटेड टू सेवंस टाइम टेबल उससे रिलेटेड है, इसको आपने सॉल्व करने के बाद अपनी टीचर को सबमिट कर देना है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं रैप अप की तरफ, आज के लेसन में हम लोगों ने क्या चीजें की। हमारा आज के लेसन में हम लोगों ने 7 का जो टाइम टेबल था उसको डेवलप किया कि किस तरह बनाया गया है, एंड देन ये भी देखा कि मल्टीप्लीकेशन जो है ये एक रिपीटेड एडिशन है जो शॉर्टेस्ट प्रोसेस है। मल्टीप्लीकेशन क्या है ये चीज आज के लेसन में हमने देखी कि मल्टीप्लीकेशन का जो बेसिकली जो पर्पस है, जो हम लोग अगेन एंड अगेन जो रिपीटेड एडिशन है उसको कम करने के लिए हम लोग मल्टीप्लीकेशन यूज करते हैं, या स्किप काउंटिंग की बजाय हम लोग मल्टीप्लीकेशन के टाइम टेबल्स यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आप लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 23 करनी है, ये आप लोगों ने अपनी नोटबुक के ऊपर करनी है, करने के बाद अपनी नोटबुक अपनी टीचर को सबमिट करवा देनी है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच, आई होप कि आप लोगों को आज के एसएलओ की समझ आ गई है। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।